ये देखिए, इस लैपटॉप का जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल टूट चुका है। हो सकता है कि आपके लैपटॉप का डिस्प्ले टूट गया हो, या फिर उसमें बहुत सारे लाइंस आ गई हो, या फिर वो खराब हो चुका हो। किसी भी केस में, और साथ ही ये जो लैपटॉप है ये एचपी कंपनी का है, लेकिन अगर आपका लैपटॉप एचपी ना हो के डेल, आसूस, लेनोवो किसी भी कंपनी का हो, आप इस वीडियो को देखकर उस लैपटॉप के डिस्प्ले को आराम से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप के डिस्प्ले को चेंज करने का जो प्रोसेस होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से ये काम करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको इस काम को करने के लिए जरूरत पड़ेगी एक 4H स्क्रू ड्राइवर की, इस तरह का स्क्रू ड्राइवर, और आपको इस तरह का एक टूल की जरूरत पड़ेगी। अगर ये टूल आपके पास ना भी हो तो आप एक एटीएम कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, इस तरह का कुछ अगर आपके पास हो तो उसकी मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, इन सब का कोर्स करना चाहते हैं, इनके काम सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको लैपटॉप के इस बेजल को खोल देना है। इसे खोलने के लिए आपको साइड में इस तरह से अपना ये हाथ यहाँ पर रखना है और धीरे धीरे ये बाहर की तरफ खींचना है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपको ये करना है। यहाँ पर नीचे की साइड गम लगा हुआ रहता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर इस तरह एक टूल की हेल्प लेनी पड़ेगी और इन दोनों साइड से इसे पकड़कर इस तरह से आपको धीरे से निकाल देना है। ये देखिए गाइस, ये बेजल खुल गया। अब बेजल को खोलने के बाद आपको यहाँ पर देखिए कुछ स्क्रू मिलेंगे। ये देखिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। इन सारे स्क्रूज को आपको खोल देने हैं। ये देखिए गाइस, अब धीरे से आपको डिस्प्ले को इस तरह से रखना है और यहाँ पर ये जो डिस्प्ले का कनेक्शन है इसके ऊपर आपको एक सेलोटिप टाइप का लगा हुआ मिलेगा, इसे आपको धीरे से इस तरह से उठाना है। अब उठाने के बाद यहाँ पर देखिए ये केबल लॉक में लगा हुआ है, इसे आपको धीरे से निकालना है। अब ये जो लैपटॉप के डिस्प्ले होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है 30 पिन और एक होता है 40 पिन। अगर आपको नहीं पता कि आपके लैपटॉप में कितने पिन का डिस्प्ले लगा हुआ है तो आप अपने लैपटॉप के डिस्प्ले को खोलकर यहाँ पर देखिए ये जो पिन आपको दिख रहे हैं इन्हें आप काउंट भी कर सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप का डिस्प्ले 30 पिन का होगा तो यहाँ पर आपको 30 पिन मिलेंगे, और अगर 40 पिन का होगा तो यहाँ पर 40 पिन मिलेंगे। तो फिलहाल मैं इस खराब डिस्प्ले को साइड में कर देता हूँ। अब दोस्तों, ये है हमारा नया डिस्प्ले, ये देखिए गाइस। अब इस डिस्प्ले को हम इस लैपटॉप में लगाएंगे, तो उसके लिए हमें डिस्प्ले को इस तरह से घुमा लेना है, देन यहाँ पर इसे हल्के हाथों से रखना है। बिल्कुल केयरफुली ये काम कीजिएगा क्योंकि ये जो लैपटॉप के डिस्प्ले होते हैं ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अब इस कनेक्शन को आपको फिर से इस नए डिस्प्ले में लगा देना है, देन इसे दोनों साइड से आपको प्रेस कर देना है ताकि ये अच्छी तरह से अपनी जगह पे बैठ जाए। अब गाइस, ये जो ऊपर सेलो टिप था इसे आपको फिर से यहाँ पे लगा देना है। अगर ये सेलो टिप ठीक से नहीं लगता है तो आप अलग से भी यहाँ पर थोड़ा सा सेलो टिप लगा सकते हैं। अब इस केबल को लगाने के बाद आप पहले ऊपर से ही एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके लैपटॉप में डिस्प्ले आया कि नहीं। तो मैं इसे फिलहाल यहीं पर इस तरह से रख के एक बार ऑन करता हूँ। इस लैपटॉप में चार्ज नहीं है तो इसलिए मैं इसे चार्जर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब दोस्तों, मैंने लैपटॉप को ऑन कर दिया है, लैपटॉप का डिस्प्ले बिल्कुल ओके है। अब इसके बाद आपको ध्यान से देखना है कि इस बेजल को फिर से लगाना कैसे है। लैपटॉप का डिस्प्ले तो हमने लगा लिया, तो इसे मैं फिलहाल ऑफ कर दूंगा। अब दोस्तों, आपको इस डिस्प्ले को बिल्कुल प्रॉपरली बैठाना है जिस तरह से ये था पहले। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अभी भी आपको कुछ प्रोसेस जानना है जो कि काफी जरूरी होता है। अब आपको ऊपर का बेजल लगा लेना है, इसे आपको इस तरह से पकड़ना है और सबसे पहले नीचे की तरफ ठीक से बैठा लेना है, ये देखिए कुछ इस तरह से। देन आपको इसे धीरे धीरे इस तरह प्रेस कर देना है ताकि ये अपने लॉक्स में बैठ जाए। देन आपको लैपटॉप को इस तरह से फ्लिप करके देख लेना है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ चुका है। एक बार इस तरह से भी आपको चेक कर लेना है, ये देखिए यहाँ पर आपको अगर कुछ गैप दिखता है तो आप इस तरह से यहाँ पर प्रेस कर दीजिएगा। अब ये डिस्प्ले बिल्कुल प्रॉपरली लग चुका है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी वीडियोस आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।